हरियाणा में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसका असर बिहार में भी दिख रहा है। लालू यादव की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में करना चाहती है और इसके लिए नीतीश कुमार को रिश्तों की दुहाई दी जा रही है, समाजवाद की याद दिलाई जा रही है, दावा किया जा रहा है नीतीश कुमार लौटकर जरूर आएंगे। लालू यादव की पार्टी का नीतीश प्रेम हरियाणा जम्मू कश्मीर के परिणाम के दिन ही क्यों उमड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। लालू यादव की पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर डोरे डालने लगी है। इसके लिए लालू यादव की पार्टी हर वो जतन कर रही है जिससे सीएम नीतीश कुमार का दिल पसीज जाए। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि लालू यादव की पार्टी के विधायक नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के बचपन की दुहाई देकर बुला रहे हैं। जवाब जेडीयू ने दिया है, कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से लालू यादव की पार्टी में बेचैनी है, घबराहट है। बड़ा का सम्मान होता है, बड़े लोग निश्चित रूप से आशीर्वाद देने का काम करते हैं। वो चाचा भतीजा का अपना रिश्ता है, पहले से ही गोद खिलाए हुए हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को, इसलिए आशीर्वाद तो मिलेगा ही ना उनको। और ये बार बार जो न्यायालय का चक्कर काटना पड़ रहा है और इस पर से जनता का ध्यान जो है कैसे इधर उधर मोड़ के रखे हैं, ये हमेशा जो न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं, नौकरी के बदले जमीन ली, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। न सिर्फ रिश्तों की दुहाई दी जा रही है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ गई है। लालू यादव की पार्टी बीजेपी को देशद्रोही तक करार दे रही है। अब जैसे भी आएंगे नीतीश बाबू, हम कहा ना रात में सपना जाती है, कभी कभी बैठ जाते हैं अपने बिछावन पे और सोचते हैं कि देश दुरियों के साथ कैसे हम रहें, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, भागेंगे वहाँ से। भाई वीरेंद्र चाहे आरजेडी के लोग, उनको सपने में जीने की आदत है, तो सपना देखने दीजिए। अब सपने में जीने वाले लोग हैं, सपना देखते रहें। एनडीए मजबूती के साथ बिहार में चल रही है। एक और लालू यादव की पार्टी दोनों हाथ खोले सीएम नीतीश कुमार का इंतजार कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम पर बिदक गई है। आप कहीं भी देखिए, किसी भी बड़े से बड़े आदमी और निचले पायदान में बैठे किसी से बात कीजिएगा तो उनका विश्वास नीतीश कुमार जी से हट गया है। सब कहते हैं कि पता नहीं कब पलटी मार देगा, किसी से ही बात कर लीजिए। इससे नीतीश कुमार जी का निश्चित रूप से जो अपना इमेज है वो समाप्त हो ही गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद लालू यादव की पार्टी सीएम नीतीश कुमार को रिझाने में जुट गई है, क्योंकि जो जनादेश आया है वो विपक्ष की उम्मीदों को बड़ा झटका देने वाला है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।